हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने काइन मास्टर ऐप से कुछ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने टाइनी मास्टर को ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और 916 वाला साइज सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहां इमेज पर क्लिक करेंगे और एक ब्लैक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हम 12 सेकेंड तक कर देंगे। इसके ड्यूरेशन को हम कुछ इस तरह से 12 सेकंड तक कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिल स्क्रीन पे क्लिक करके फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे जिस फोटो से हमें वीडियो क्रिएट करना है। इसमें आपको मात्र 4 फोटो सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए अपने फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने फोटो को सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम इसमें एक लिरिक वीडियो ऐड करेंगे। लिरिक वीडियो ऐड करने के लिए सिंपली हम यहां लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहां मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहां से हम अपना लिरिक वीडियो ऐड कर लेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो को ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहां टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इस लिरिक वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फिर हम यहां एक्सट्रेट ऑडियो पर क्लिक करके हम इसकी ऑडियो को बाहर कर लेंगे। फिर हम यहां टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जहां तक हमारा ब्लैक इमेज है, वहां पे हम आ जाएंगे। फिर अपने लिरिक वाले वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहां कैंची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहां ट्रिम टू राइट पर क्लिक करके हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देंगे। फिर हम यहां टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम यहां लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक फ्रेम का ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो को ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। फिर हम यहां ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां स्क्रीन पर क्लिक करके फिर हम यहां टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अपने फोटो को हम फ्रेम के हिसाब से सेट करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा आगे आ जाएंगे जहां तक हमारा पहला फ्रेम है, मतलब कि जहां पे हमारा पहला फ्रेम एंड हो रहा है वहां पे हम आ जाएंगे। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि पहला फ्रेम हमारा यहां पे एंड हो रहा है। तो सिंपली हम यहां पे आ चुके हैं। इसके बाद अपने पहले नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हम यहीं तक लाके रख लेंगे। इसके ड्यूरेशन को हम कुछ इस तरह से यहां पे लाके रख लेंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जहां तक हमारा दूसरा फ्रेम है वहां पे हम जाएंगे। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि दूसरा फ्रेम हमारा यहां पे एंड हो रहा है। तो सिंपली हम यहां पे आ चुके हैं। इसके बाद अपने दूसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी ड्यूरेशन को यहीं तक हम लाके रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे फोटो को फ्रेम के हिसाब से सेट करेंगे। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने सारे फोटो को सेट कर चुके हैं। इसके बाद हम लास्ट वाले फोटो को सेलेक्ट करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को जहां तक म्यूजिक है वहीं तक इसकी ड्यूरेशन को हम लाके रख लेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर हम यहां टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद फिर हम यहां लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो को ऐड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। फिर हम यहां ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां स्क्रीन पर क्लिक करके फिर हम यहां टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहां लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक फ्रेम का इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को ऐड करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने इमेज को ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहां टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हम एंड तक कर देंगे। इसके ड्यूरेशन को हम कुछ इस तरह से खींच करके एंड तक कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए हम इसको प्ले करते हैं।
तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, इसके बाद हम लास्ट में आ जाएंगे और जो भी वीडियो हमारा एक्स्ट्रा है सारे को हम काट करके डिलीट कर देंगे। इसके लिए अपने वीडियो को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ कैंची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट पर क्लिक करके हम इसको कट कर लेंगे, फिर हम यहाँ टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे एक्स्ट्रा वीडियो को कट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर इसे हमें सेव करना है सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।